हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी ड्राइवर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप आर्मी ड्राइवर कैसे बने, सेना ड्राइवर बनने के लिए क्या करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी आप डिटेल में पाएंगे। जैसे कि आर्मी ड्राइवर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही इसके लिए फिजिकल एबिलिटी क्या है, यानी कि शारीरिक योग्यताएं क्या क्या हैं, इसके अलावा आर्मी ड्राइवर बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साथ ही इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी आर्मी ड्राइवर बनने के बारे में सोच रहे हैं या सेना में आर्मी ड्राइवर की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्मी ड्राइवर कैसे बने, आर्मी ड्राइवर बनने के लिए क्या करें, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अधिकतर युवा आर्मी ड्राइवर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वे आर्मी में ड्राइवर नहीं बन पाते हैं। अगर आप भी आर्मी में ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको आर्मी ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। इसके अलावा अगर आप आर्मी में ड्राइवर के बनने के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं तो आपको आगे आर्मी ड्राइवर बनने में आसानी होगी। साथ ही आपको बता दें कि आर्मी ड्राइवर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा होता है, इसलिए आर्मी ड्राइवर को अपनी जिम्मेदारियों के साथ आर्मी वाहन चलाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आर्मी ड्राइवर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर आप आर्मी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से 10वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। साथ ही आपको ड्राइविंग सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों, हर साल समय समय पर आर्मी ड्राइवर की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जिसकी जानकारी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर विज्ञापन के माध्यम से दी जाती है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आपको इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसे पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्मी ड्राइवर के लिए आपको पहले फिजिकल टेस्ट पास करना होता है, और इस फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट और चेस्ट से संबंधित टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों, यदि आप इस फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आगे मेडिकल टेस्ट देना होता है, और इस मेडिकल टेस्ट में आपके शरीर की पूरी जांच की जाती है, जिसमें आपको पूरी तरीके से फिट और किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको आगे रिटेन एग्ज़ाम देनी होती है, और इस रिटेन एग्ज़ाम को आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होता है। दोस्तों, आर्मी ड्राइवर बनने के लिए जैसे ही आप तीनों चरण की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, सही पाए जाते हैं, तो आपको आर्मी ड्राइवर के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, बात करें आर्मी ड्राइवर बनने के लिए एलिजिबिलिटीज़ की, यानी कि योग्यताओं की, तो दोस्तों, यदि आप आर्मी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से 10वीं कक्षा पास करनी होगी, और साथ ही 10वीं कक्षा में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आर्मी ड्राइवर बनने के लिए आपके पास ड्राइविंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ साथ ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी है तो आप आर्मी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप आर्मी में ड्राइवर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की मिनिमम एज 17 साल 6 महीने से 25 साल के बीच होनी चाहिए उम्र। इसके अलावा OBC और SC/ST कैंडिडेट को आर्मी ड्राइवर बनने के लिए नियम के अनुसार सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है एज लिमिट में। दोस्तों, अगर आप आर्मी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी हाइट और छाती बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। यदि आपकी हाइट और छाती आर्मी ड्राइवर बनने के लिए एलिजिबल है तो आप आर्मी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि आर्मी ड्राइवर बनने के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ क्या होती हैं। दोस्तों, आर्मी में ड्राइवर बनने के लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आर्मी में ड्राइवर बनने के लिए आपकी छाती बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। दोस्तों, आर्मी में ड्राइवर बनने के लिए आपका वज़न आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, और आपका वज़न 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा SC/ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को हाइट में और छाती में कुछ सेंटीमीटर की छूट दी जाती है।
दोस्तों बात करें आर्मी ड्राइवर बनने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपके आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, आपके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी, आपके रेसिडेंस प्रूफ यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, आपके बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, आपके आपके स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके स्कूल के द्वारा दिया जाएगा इसकी ज़रूरत होगी, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी यानी कि जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, इसके अलावा आपकी क्लास 10th की मार्कशीट की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों यदि आप आर्मी में ड्राइवर का पोस्ट पाना चाहते हैं तो आपको 3 चरणों में डिवाइडेड एग्ज़ाम से गुजरना होता है, जिसे पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो आइए इन 3 चरणों के एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों अगर आप मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका आगे रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर आप इन 3 चरणों की एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर जाते हैं तो आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपको आर्मी ड्राइवर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों अगर हम आर्मी ड्राइवर की सैलरी की बात करें तो आर्मी ड्राइवर की सैलरी उनके एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग होती है, फिर भी आर्मी ड्राइवर की सैलरी लगभग 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होती है। इसके अलावा उन्हें ग्रेड पे 1900 रुपये दी जाती है और साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को आर्मी ड्राइवर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला सवाल है, आर्मी ड्राइवर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होती हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्मी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से 10वीं कक्षा 50 से 55% मार्क्स के साथ पास करनी होगी। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो आप आर्मी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, आर्मी ड्राइवर बनने के लिए एज लिमिट कितनी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्मी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 17 साल 6 महीने से लेकर 25 साल के बीच एज होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स को एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। तीसरा सवाल है, आर्मी ड्राइवर की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी ड्राइवर बनने के लिए आपकी कम से कम मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चौथा सवाल है, आर्मी ड्राइवर बनने के लिए छाती कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी ड्राइवर बनने के लिए आपकी छाती बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और पांचवा सवाल है, आर्मी ड्राइवर बनने के लिए कितने प्रोसेस की एग्ज़ाम से गुजरना होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी ड्राइवर बनने के लिए आपको 3 चरणों के एग्ज़ाम से गुजरना होता है, फिज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम। दोस्तों अगर आप इन 3 चरणों की एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर जाते हैं तो फिर आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपको आर्मी में ड्राइवर की पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आर्मी ड्राइवर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।